Hello, darlings. It's showtime. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Amar Ansari. आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, जब PST और IST में बहुत दिमाग का दही हो रहा है भाई. तो गाइज, अभी फाइनली वो वक्त जिसका हम सभी लोगों को इंतजार था वो मेकर्स ने बता दिया है. गाइज, हम सभी लोगों को पता है किस तरह से सलार का जब टीजर आया था तो सुबह 4 बजे से उठ के सब बैठ गए थे. सुबह 5 बजे मुझे वीडियो बनाना पड़ा, जो कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया है. वो एक अलग किस्म का एक्साइटमेंट था, एक अलग यूफोरिया था. एंड अब वापस से प्रभास जो है यहाँ पर, भैया रात को आ रहे हैं, रात कहूँ या सुबह कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो फाइनली मेकर्स ने यहाँ पर जो ऑफिशियल टाइम है इसके ग्लिम्स का वो रिलीज कर दिया. देखिए गाइस, दिस इज अ ह्यूज मोमेंट. ओके, वी आर एट द कॉमिक कॉन. दिस फिल्म इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द कॉमिक कॉन. एंड जिस तरह का उन्होंने अभी जो कॉमिक आर्ट रिलीज किया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आप देख सकते हो, उसने काफी ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो डेवलप कर दी है. लेट्स सी गाइस, ये जो कॉमिक आर्ट दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो विलन्स है यानी कि रेडर्स है यहाँ पे लोगों पर अटैक कर रहे हैं, किस तरह से एक व्यक्ति जो कि एक सुपर हीरो है वो उनको आके बचाता है. दीज आर रियली गुड यू नो प्लॉट पॉइंट्स जो कि काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लाएगी. अब लेट्स सी ग्लिम्स हमें क्या ऑफर करता है. वहां पे दाना दागू बत्ती है, वहां पे कमल हसन है, देयर अश्विन नाग ओवर देयर, पूरा का पूरा वैजयंती मूवीज की टीम है वहां पर. तो एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हो गई है. एंड गाइज, उन लोगों ने अभी यहाँ पर एक लुक रिलीज किया है, द फोर्सेज मीट, यानी ये कमल हसन एंड प्रभास विश यू वर हियर विद अस एट सैन डिएगो. हम यहाँ बैठे हैं भाई मुंबई में, हमको काहे टैग कर रहे हो भाई, और मुंबई में बैठे हैं भाई, बरसात हो रही है. तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए कहा है एंड कहा है कि काश आप यहाँ पर होते. ब्रिलियंट, दिस इज अ फ्रेम टू बी चेरिश्ड. आई मीन कमल हसन द स्टॉलवर्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, द लेजेंड, द आइकन कह सकता हूँ, अलॉन्ग विद द बाहुबली देन प्रभास. बहुत ही जबरदस्त ये जो फ्रेम कैप्चर किया है यहाँ पर, काफी मस्त लग रहा है देखने के लिए. सो गाइस, अब यहाँ पर वो घड़ी इसका आपको इंतजार था, प्रोजेक्ट के का फर्स्ट ग्लिम्स. अब वो ग्लिम्स क्या है, इज इट अ मोशन पोस्टर, इज इट अ टीजर ऑफ अ काइंड, ये किसी को नहीं मालूम. ओके, तो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि जवान का जो ट्रेलर नंबर 1 था वो प्रीव्यू बन के हमारे सामने आया, अब ये ग्लिम्स है. तो ये मेकर्स के ऊपर है कि वो ग्लिम्स में क्या दिखाए, या उसे एक फोटो दिखा के मोशन पोस्टर दिखा सकता है या फिर टीजर टाइप को दिखा सकता है, ये गेस्टिमेट करना किसी के बस की बात नहीं है. लॉन्च्ड एट कॉमिक कॉन, तो कॉमिक कॉन जो है यहाँ पर ये लॉन्च जो है कॉमिक कॉन इंटरनेशनल, जो कि 20 से 23 जुलाई तक सैन डिएगो में हो रहा है, वहां पर 1 PM to 2 PM PST. अब गाइस, PST जो है भैया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम है. ओके, इट रन्स अलोंग द पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम वैनकूवर इन कनाडा टू सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेलिस, सैन डिएगो एंड बाजा कैलिफोर्निया इन मेक्सिको. तो ये उनका समय है जहां पर वो रिलीज होने वाला है, ना कि दोपहर में. उनके वजह से भैया हमको यार दिक्कत होने वाली है, अपने वहां पे 1:30 to 2:30 AM अब देर से लेकर 2:30 बजे के बीच में सुबह, दोपहर में नहीं. मतलब तुम लोग दोपहर में बोलो ये कहाँ है, तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर 1:30 बजे रात को, उसके लेके 2:30 बजे रात को यहाँ पर रिलीज हो रहा है वैजयंती मूवीज पर. तो उनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाकर वहां पर देखिए, वैजयंती फिल्म्स जो है वहां पर देखिए, वहां पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको करना है बेल आइकन दबाना है दबाओ वहां पर. तो इट विल बी रिलीज्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स साइमल्टेनियसली विद द कॉमिक कॉन, यानी कि जैसे कॉमिक कॉन में लॉन्च होगा वैसे ही यहाँ पर डिजिटली भी लॉन्च होगा. एंड प्रभास का एक लुक है यहाँ पे, पूरा का पूरा वो इवेंट जाते हुए दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. एंड यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो चालासानी, अश्विनी दत्त द प्रोड्यूसर, द मैन बिहाइंड वैजयंती फिल्म्स, ही इज ओवर देयर. बहुत ही मेहनती, वेरी डाउन टू अर्थ ह्यूमन बींग. यहाँ आपकी तस्वीर, उनकी तस्वीर जो है आपको स्क्रीन पर देख सकते हो. अश्विन नाग सुपर एक्साइटेड, वो रेडर्स सारे वीडियो रिलीज किए थे उन लोगों ने, क्योंकि अश्विन नाग को पकड़ के वो लोग अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे. तो काफी मस्त था, चलो एक्साइटमेंट है. लेट्स सी, इंडियन सिनेमा से कुछ नया आ रहा है, कुछ नई अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है. एंड आई होप ये अटेम्प्ट जो है वो इस बार सक्सेसफुल हो एंड हमें एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो देखने के लिए मिले. फिंगर्स क्रॉस, आई होप प्रोजेक्ट के का जो ग्लिम्स है हमें एक्सपेक्टेशन जो है उन पर खरा उतरेगा. अब मिलेंगे भैया जब ग्लिम्स आ जाएगा. ओके, तो इंतजार कीजिए, जैसे ही ग्लिम्स आएगा उसके आई थिंक आधे एक घंटे में मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा. साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.